हेलो एवरीवन वेलकम टू करियर इंफॉर्मेशन जॉब अलर्ट्स तो हर दिन की तरह आज आपसे मैं इस वीडियो में जो रिक्रूटमेंट शेयर करने वाला हूं वो है राष्ट्रीय केमिकल्स एंड यानी कि एल ने एक recruitment जारी किया है for the post of management trainees. बहुत सारे डिसिप्लिन के लिए पे है टोटल वैकेंसी लगभग थर्टी प्लस यहाँ पे वैकेंसी है इन डिटेल आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा कितनी है उसके बाद में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है सिलेक्शन प्रोसेस क्या है अप्लाई करना है उससे पहले क्या क्या चीजें आपको जरूरी है तो जो भी मेन मेन समरी आपको इस वीडियो में मैं बता दूंगा ताकि आप डायरेक्टली अप्लाई कर पाओगे अब तक इसका अप्लाई ऑनलाइन का लिंक जो है एक्टिवेट नहीं हुआ है ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ जुलाई अब लगभग यहां से सात दिन है उसके बाद वो एक्टिवेट होगा और आपको जो फॉर्म फिलअप का लास्ट डेट है वो अठारह अगस्त तक रहेगा तो चलते सबसे पहले इसके जो है मेन जो डिटेल एडवर्टाइजमेंट है उसकी और तो ये है इसका डिटेल एडवर्टाइजमेंट तो सबसे पहला जो पोस्ट है वो है मैनेजमेंट ट्रेनिंग केमिकल का जिसमें चौदह वैकेंसी है पांच वैकेंसी उसमें ओपन के लिए दो एस के लिए एस एसटी के लिए चार जो है ओबीसी दो ईडब्ल्यूएस के लिए और पीडब्ल्यू के लिए भी अलग अलग कैटेगरी में वैकेंसी है अगर आपका केमिकल में इंजीनियरिंग हुआ है वेदर इट इज आफ्टर डिप्लोमा और या फिर आपका ट्वेल्थ के बाद तो भी चलेगा यहाँ पे परसेंटेज क्राइटेरिया जो है वो है सिक्सटी परसेंट एग्रीकेट होना जरूरी है फॉर ओपन कैटेगरीज एंड एस सी एस टी के लिए यहाँ पे जो है फिफ्टी फाइव परसेंट एग्रीकेट होना जरूरी है एज लिमिट के बारे में बात करेंगे तो सत्ताइस आपका रहेगा उसके बाद आपका प्लस तीन जो होता है ओबीसी के लिए प्लस पांच जो होता है आपका एस सी एस टी के लिए पीडब्ल्यू डी के लिए दस होता है उसमें भी आपका कैटेगरी हो, होगा तो आपका उस तरह से यहाँ पे एड ऑन हो जाएगा इसका जो है एज ऑन एक तारीख यानी कि एक आ, आ, मार्च तक आपका जो है कट ऑफ डेट रहेगा एज के लिए मैनेजमेंट ट्रेनी सेकंड जो पोस्ट है मैकेनिकल का इसमें लगभग जो वैकेंसी है वो चार है एससी के लिए छोड़ के बाकी सारे कैटेगरी के लिए यहाँ पे वैकेंसी है इसका भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एजुकेशन बैकग्राउंड सेम है बस आपका स्ट्रीम जो है वो मैकेनिकल होना चाहिए और परसेंटेज एज लिमिट सारी चीजें जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया वही यहाँ पे भी है अब बात करेंगे मैनेजमेंट ट्रेनी बॉयलर सो यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रीम के अप्लाई कर सकते हैं चार पोस्ट है टोटल यहाँ पे उसमें भी एस और ईडब्ल्यू के लिए और पीडब्ल्यू के लिए यहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं है लेकिन अगर आपको इस पोस्ट को अप्लाई करना तो बहुत सारे के लिए पे वैकेंसी है तो आप ओपन में भी अप्लाई कर सकते हो सो रेगुलर फुल टाइम फोर बी बीटेक जो है आपका इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल केमिकल के अंडर होगा तो अप्लाई करो आफ्टर डिप्लोमा भी इन्हीं स्ट्रीम में होगा यू आर एलिजिबल और एक चीज द कैंडिडेट शुड हैव वैलिड बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियर सर्टिफिकेट या फिर बॉयलर सर्टिफिकेट ये मैग्नेटरी है क्योंकि ये चीज एंड में लिखा है और ये आपको जरूरी है फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट बाकी आपके लिए वो जो परसेंटेज क्राइटेरिया और एज क्राइटेरिया सबके लिए मेरे ख्याल से सेम ही है मैनेजमेंट ट्रेनिंग सेफ्टी के लिए आपका जो है एजुकेशनल बैकग्राउंड वो होना चाहिए केमिकल में और यहाँ पे आपको अगेन सेफ्टी कोर्स का भी जरूरत है सो वन ईयर एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी कोर्स फ्रॉम यूजीसी या फिर एआईसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ये जरूरी है द एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी शूट नेसेसरीली द

फायर या फिर फायर एंड सेफ्टी में आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है इट okay, है, है इट वो दो वैकेंसी और जो वैकेंसी है उसके लिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस प्रकार है रेगुलर एंड फुल टाइम ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन विद रेगुलर एंड फुल टाइम मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री फिर वो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल एनालिटिकल चलेगा फ्रॉम यूजीसी ए आई सी टी इंस्टीट्यूट इन केमिस्ट्री ओके उसके बाद में इसका जो और यहाँ पे जो बताया है वो आपका एज लिमिट अगेन सेम रहेगा नेक्स्ट जो है मैनेजमेंट ट्रेनी आईटी टी तीन वैकेंसी है यहाँ पे डेफिनेटली कंप्यूटर वाले और आईटी वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं जिनका भी इंजीनियरिंग उसमें हुआ है ओके okay, विथ आपके एग्रीकेट परसेंटेज आपको ध्यान में रखने और एज लिमिट भी आपको ध्यान में रखना है एज और मैंने एज क्राइटेरिया बारे में आपको रिलैक्सेशन तो बता दिया है कितना आपको रहेगा जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से वैसा ही आपको रिलैक्सेशन रहेगा बाकी कुछ नया उसमें बताने जैसा है नहीं एप्लीकेशन uh, फीस की बात करेंगे सो नॉन रिफंडेबल रहेगा एप्लीकेशन फीस ऑफ वन थाउजेंड प्लस बैंक चार्जेस आपको यहां परबल जो टैक्सेस होंगे जीएसटी आपको वो, वो भी पे करने जनरल ओबीसीडेट कैन ऑप टू पे आर थ्रू इंटरनेट बैंकिंग क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड वो चलेगा उसके अलावा कोई भी आपका सोर्स नहीं है यहां पे और एक चीज बता दू फीमेल एक सर्विसमैन पीडब्ल्यू डी या एस सी एस टी के लिए कोई भी यहाँ पे एप्लीकेशन फी जो है वो नहीं है ओके नेचर ऑफ जॉब के बारे में इन शॉर्ट बता दू सो द कंपनी हैज टू यूनिट्स जो है आपका अलीबाग एंड मुंबई जो ट्रॉम्बे में है एंड अ नेशन वाइड मार्केटिंग नेटवर्क पोस्टिंग ऑफ कैंडिडेट मे बी एट एनी ऑफ द यूनिट्स ऑफ द कंपनी एज डिसाइडेड बाय मैनेजमेंट तो ये सारी चीजें तो आगे की है जिसमें आपका डिस्कशन होगा uh, ये है सैलरी स्ट्रक्चर आपका पे स्केल के साथ आपको सारे अलाउंसेस यहाँ पे मिलेंगे क्योंकि परमानेंट पोस्ट ही है सो so आपको जो है पे स्केल भी दिया है ईवन ग्रेड के हिसाब से आपको पे स्केल दिया जाएगा उसमें आपका जो है सेवन सेवन आपका जो है वो आ, रह सकता है बाकी अलाउंसेस भी आपको यहाँ पे मिलेंगे ओके okay, और ट्रेनिंग भी दिया जाएगा आपको वन ईयर तक उसमें आपको तीस हजार तक स्टाइपेंड मिल सकता है क्योंकि पहले आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा उसके बाद आपका जो है फाइनली आपको जो है स्केल पे लिया जाएगा सो द सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे सो डेफिनेटली यहाँ पे टेस्ट होगा एंड आपका पीआई होगा यानी कि पर्सनल इंटरव्यू सो एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर सी टी जो ऑब्जेक्टिव ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका ओके okay, जो आपका एडमिट कार्ड मिल जाएगा आपको मेल भी आ जाएगा ये चैनल पे भी डाल दूंगा मैं फॉर द पोजिशन ऑफ मैनेजमेंट ऑनलाइन टेस्ट कहाँ कहाँ होगा सेंटर्स के बारे में बता दू हैदराबाद लखनऊ दिल्ली भोपाल नागपुर बैंगलुरु देन चेन्नई गुवाहाटी कोलकाता मुंबई तो सारे जो मेन मेन सिटीज है वहां पर मोस्टली ये एग्जाम होगा हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपका जो ये एग्जाम होगा आउटस्टेशन कैंडिडेट बिलोंग इन टू एस सी एस टी पीडब्ल्यू डी रिजर्व कैटेगरी कॉल फॉर ऑनलाइन टेस्ट विल बी रियम्बर्स ओके रेल या फिर बस आर पर्टिकुलर जो है आपको जो टेस्ट आपका जो भी होगा शॉर्टेस्ट रूट के हिसाब से आपको यहां पे मिलेगा ओके सो एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन इन वेन्यूज सो ये ऑनलाइन ही होने वाला है सीबीटी आपका टेस्ट होगा जो हमेशा की तरह होता है ओके सो यस द ऑनलाइन टेस्ट फॉर द अबाउट मेंशन पोस्ट विल बी हेल्ड ऑन सेम डे अनलेस इट इज पॉसिबल टू कंडक्ट द सेम ड्यू टू एनी कोई कोई इश्यू होता है तो उसके हिसाब से आपको कन्वे किया जाएगा अब आते हैं कैसा कैसा आपका पेपर रहेगा सो द ऑनलाइन टेस्ट विल बी हैविंग टू पार्ट्स डिसिप्लिन रिलेटेड एंड एप्टीट्यूड रिलेटेड सो ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट विल भी नाइन आपको एक घंटा और हाफ एन आवर यानी कि डेढ़ घंटा आपको यहाँ पे मिलेगा टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो भी आपका क्वालिफाइंग डिग्री होगा ओके एंड ऑफ टू मार्क्स इज यानी कि एक क्वेश्चन को दो मार्क्स एंड फिफ्टी क्वेश्चन फ्रॉम जी ई यानी कि जनरल इंग्लिश जनरल नॉलेज अवेयरनेस और एप्टी वहां पे आपको एक मार्क होगा तो ऐसा मिला के आपका जो पेपर होगा वो डेढ़ सौ मार्क्स का होगा ओके okay, 90 मिनट्स और आपको क्वेश्चन जो होंगे वो 100 होंगे निगेटिव मार्किंग यहाँ पे है देअर विल बी निगेटिव मार्किंग फॉर आंसर्स रॉन्ग आंसर सॉरी द लेवल ऑफ द डोमेन ऑफ सब्जेक्ट विल बी एप्लीकेबल फॉर द पोस्ट तो ये यह चीज यहाँ पे आपको हमेशा जो है याद रखना है क्योंकि टेस्ट का आपको पता होना चाहिए सो so, रिपोर्ट जल्दी करना है ये सारी चीजें अब बात करेंगे आपका इंटरव्यू में कैसा यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस जाएगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ सो बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस आपका ऑनलाइन टेस्ट में जैसा होगा एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी प्रोविजनली कॉल फॉर पी आर टेंटेटिवलीफ वन बाई सेवन कि वन सेवन का रेशो यहाँ पे होगा जहां पे भी एक वैकेंसी दो है दस है उस हिसाब से आपको जो है इन सेवन बच्चों को यहाँ पे बुलाया जाएगा और उसी हिसाब से कट ऑफ लगाया जाएगा इंटरव्यू कॉल लेटर इन रिस्पेक्ट ऑफ सच एलिजिबल एंड प्रोविजनल शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी अपलोडेड ऑन आर सी एफ एल वेबसाइट तो आपको साइट पर मिल जाएगा आपको इंटीमेशन भी आ जाएगा थ्रू एस एम एस या फिर मेल

80% उसको आपका वैटेज है यानी कि जो भी बच्चे वन हेज टू सेवन रेशो के हिसाब से थोड़ा मेरिट से हाई में रहेंगे उनके चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका हो ही जाएगा क्योंकि 20% भी आपका पी आई मैटर करेगा लेकिन यहाँ पे जो है रिटर्न टेस्ट बहुत आपका जरूरी है अच्छा देना सो बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट जो है जैसे मैंने आपको बताया बतायावन आपको बुलाया जाएगा अब उसमें भी कैटेगरी के हिसाब से बुलाया जाएगा जैसे कि अगर एस सी के लिए एक वैकेंसी है तो आपको सात एस के कैंडिडेट्स के लिए वो वैकेंसी के लिए बुलाया जाएगा सो so, ऐसा आपको कैटेगरी वाइज यहां पे बुलाया जाएगा कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई अगेन इन द पर्सनल इंटरव्यू सेपरेटली विद द मिनिमम एवरेज ऑफ 50 परसेंट मार्क्स अब एक चीज यहाँ पे उन्होंने ये कर दिया कि इंटरव्यू को इन्होंने इंपॉर्टेंस कैसा दे दिया है हालांकि यहां पे ट्वेंटी परसेंट है लेकिन आपका जो इंटरव्यू लेने वाले उनके हाथ में जितने मार्क्स रहेंगे तो आपको उसमें से 50% परसेंट जो है वो क्लियर करने वरना आप जो है डिस्कालीफाई हो सकते हो क्योंकि आपको पीआईबी क्लियर करना जरूरी है इंडिविजुअली और तब जाके आपके 80 परसेंट के साथ मार्क्स वो काउंट होंगे एंड देन आपका टोटल मेरिट स्कोर आएगा और फिर आपका मेरिट लिस्ट लगेगा उसी हिसाब से एक एक को बुलाया जाएगा सबका होगा ऐसा नहीं है जिनको जिनको पीआई को बुलाया इसका मतलब ये नहीं कि आपके चांसेस है वही चीज आपका मेरिट लिस्ट में आएगा इफ टोटल मार्क्स ऑफ टू और मोर कैंडिडेट्स इन आफ्टर पर्सनल इंटरव्यू सेम परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन द क्वालिफाइड एग्जामिनेशन वुड बी कंसिडर फॉर ड्रॉइंग अप मार्क्स यानी कि ऐसा हो सकता है एक कंडीशन हो सकती है कि आपका इंटरव्यू होने के बाद दो कैंडिडेट्स मिला के अगर उनके मार्क्स सेम हो रहे तो आपका जो रिटर्न टेस्ट था उसके जिसके मार्क्स ज्यादा होंगे उसको पर, जो है यहाँ पे प्रायोरिटी मिलेगी अब और एक चीज है अगर केस ऑफ परसेंटेज मार्क्स आर आल्सो इक्वल सो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन द डेट ऑफ बर्थ विल बी कंसीडर जो ओल्ड एज होगा उसको मिलेगा ये खैर इतना नहीं होगा लेकिन एक जस्ट यहाँ पे उन्होंने कंसीडर कर दिया और आजकल वो होता भी है अब जैसे मैंने आपको बताया कैसे अप्लाई करना क्या क्या चीजें जरूरी है सबसे पहले तो आपको फोटोग्राफ जरूरी है सिग्नेचर जरूरी है ब्लैक इंक से उसको याद रखना ब्लैक इंक से ही उसको आप साइन करके आपकी जो यानी कि कैपिटल में, में वगैरह साइन नहीं करना है उसी हिसाब से आपके जो रनिंग हैंडराइटिंग में जो आप साइन करते हो वही साइन आपको स्कैन करनी है तीसरी चीज वो है आपका लेफ्ट थर्म इम्प्रेशन सो ये भी है आपका ब्लैक या फिर ब्लू इंक आप यूज कर सकते हो हैंड रिटर्न डिक्लेरेशन की बात करूंगा तो ब्लैक इंक से आपको व्हाइट पेपर ने रनिंग राइटिंग में लिखना है क्या लिखना है आपके रनिंग राइटिंग में कुछ भी आपको नया नहीं करना है ना कैपिटल ना कुछ जैसा क्या जैसा लिखना है बस आई के बाद आपका नाम डाल देना और वो जो है ब्लैक इंक से आप वहां पर लिखना और स्कैन करना याद रखना मोस्टली चीजें ब्लैक इंक से ही करो क्योंकि एक सेफ रहता है और लेफ्ट थर्म भी हो सके तो ब्लैक इंक से ही करो ताकि बाकी आपको कन्फ्यूजन ना हो कि मैंने किस किया ओके सो कैपिटल लेटर्स विल नॉट एक्सेप्टेड जो मैंने आपको बताया क्योंकि कुछ बच्चों ने ऐसा इससे पहले किया था सो so ये सारी चीजें बहुत जरूरी है अब बात करेंगे अप्लाई जो ऑनलाइन है उसका प्रोसीजर और, और क्या क्या चीजें और डायमेंशन भी बताता हूं मैं कि कितना आपको फोटो क्या साइज में चाहिए क्या नहीं चाहिए उससे पहले मैं एक बार आपसे जो शेयर किया था स्टार्टिंग में ये था वो डैशबोर्ड अब तक यहाँ पे जो है लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है इसलिए आपको क्लिक ईयर फॉर एप्लीकेशन जो है वो नहीं नजर आ रहा है मैं इसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा जो आपको सामने नजर आ रहा है जब उनतीस तारीख आ जाएगी तब आप इसी पे क्लिक करो आपको यहाँ पे एक विंडो ओपन हुई नजर आएगी ओके या फिर एक आपको क्लिक हियर फॉर एप्लीकेशन वो आ जाएगा ऑफिशियली सो so आप वहां से अप्लाई कर पाओगे डायरेक्टली ओके okay, और दूसरा लिंक मैं आपसे ये भी शेयर कर दूंगा पीडीएफ का ता, ताकि आपको दिक्कत ना आए और आप वीडियो देख के भी अप्लाई कर सकते हैं खैर अभी चलते हैं आपको जो है अप्लाई ऑनलाइन जो है आपको जब आपका शुरू हो जाएगा आपको क्लिक ईयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है उसके बाद में आपके पर्सनल डिटेल्स भरने मेल आईडी एंड ऑल दैट ओके और फीस फीस भी आपको जो ऑनलाइन ही करनी है चार आपके डॉक्यूमेंट जो है वो रेडी रखना जो यहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने डिस्कस किए हैं अब बात करेंगे गाइडलाइंस जो है मैंने डायमेंशन आपको बताया 20 से पचास केबी के अंडर आपका फोटो होना चाहिए पिक्सल भी दिया हुआ है लिख के रखो अभी से रेडी करके रखो सिग्नेचर जो है वो है आपका 10 से 20 के बी के अंडर थम जो है वो है 20 से पचास केबी के अंडर और जो आपका आता है हैंड रिटर्न वो है फिफ्टी टू हंड्रेड ये सारी चीजें आप जेपीजे में जेपीजे में ही रखना है यानी कि इमेज फाइल में ओके पीडीएफ वगैरह मत कन्वर्ट करो जेपीजे फाइल में ही उसको रखो इसी डायमेंशन के साथ ओके okay, ये बहुत जरूरी है क्योंकि तब तक आपका एप्लीकेशन पूरा ही नहीं होगा सो वाइल फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी प्रोवाइडेड सेपरेट लिंक्स तो हर एक के लिए लिंक्स प्रोवाइड होंगे अगर कुछ एरर होगा तो आपको बताया जाएगा वहां पे डोंट वरी सो आप लेकिन जो भी चीजें वो अभी स्कैन करके रोको डायमेंशन के साथ और उसको एडिट करके रोको ओके okay. uh, क्योंकि स्कैन करने के बाद ऐसा होता है कि आपको एडिट करना भी जरूरी है सो so, ये था पूरा यहाँ पे आ, पर्टिकुलर्स आ, सारे जो है इस रिक्रूटमेंट के मेरे ख्याल से सारी चीजें मैंने बता दी है

ओके okay, तो ये भी क्लियर पे कर दिया है इन uh, डिटेल तो ये था पूरा रिक्रूटमेंट मेरे ख्याल से सारी चीजें मैंने बता दी ऑनलाइन uh, का तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है कोई भी फिजिकल फॉर्म मत भेजो ये चीज याद रखना एंड अगेन वन थिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन शाल बी डीम टू बी सबमिटेड ओनली रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन आर एंडलोडेड टू

उनतीस तारीख लिंक एक्टिवेट हो जाएगा कहां पे मैंने बता दिया ये वाला दोनों लिंक मैंने आपसे शेयर कर दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पूरा अच्छे से मैंने आपको जो है हर एक पॉइंट के साथ जो है इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको जरूरत है फॉर्म फिलअप के टाइम वो मैंने बता दी है ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन जो है वो पूरी तरह से डिस्कस मैंने यहाँ पे कर लिया ताकि आपको कोई दिक्कत ना सो थैंक यू ऑल ऑल द बेस्ट ऐसे ही जो जॉब नोटिफिकेशन से मैं आपके लिए लाता रहूंगा हर दिन सो so इसके लिए आपको क्या करना है सब्सक्राइब करना, करना है और बेल आइकन को हिट करना है ऑलरेडी बहुत सारे जॉब जो, जो है वो पोस्ट की है मैंने ऑफिशियल जो है तो so जाके चेक करो आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करो सो थैंक यू ऑल ऑल द बेस्ट एंड स्टे ट्यून टू द चैनल एंड आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो उसका भी लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा ओके सो थैंक यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट अगेन